असम भारत का एक सुंदर राज्य है जो अपनी प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। शानदार पहाड़, समृद्ध से भरा वन्य जीव चाय बागान आकर्षण का केंद्र है। प्रकृति सौंदर्य के लिए एक स्वर्ग की तरह है असम, जिसमें धार्मिक महत्व के अलावा भी कई चीजें मौजूद है। सुंदर दृश्य के बावजूद ये देश के सबसे कम घूमे जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। असम एक भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा में आता है। असम की राजधानी गुवाहाटी में एक हवाई अड्डा है। आपको हवाई अड्डे से एक टैक्सी मिलेगी। शहर इस अड्डे से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ट्रेन से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। यह असम के उत्तर पूर्वी राज्य का प्रमुख रेलवे हब है। हालांकि अगर आप कार से यात्रा करना चाहते हैं तो जून से सितंबर के बीच ना जाए, क्योंकि इस समय राज्य में भारी बारिश होती है और सड़कें काफी खतरनाक हो सकती है। यहाँ आपको ऐसे बंगले में रहने का अनुभव मिल सकता है जो ब्रिटिश काल में बनाए गए थे। इन बंगलों में रहने के लिए आपको पहले से ही बुक करना होगा। यदि बुकिंग उपलब्ध नहीं है तो यहाँ रहने के लिए कई रिसोर्ट विकल्प के तौर पर उपलब्ध है। गुवाहाटी में 1500 से लेकर 2500 प्रतिदिन के लिए यहाँ अच्छे और सस्ते होटल मिल सकते हैं। दिल्ली से गुवाहाटी के लिए एक फ्लाइट टिकट लगभग 6000 रुपए में मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से गुवाहाटी जा रहे हैं तो आप स्लीपर टिकट के लिए 700 से 800 रुपए दे सकते हैं। वहीं 3 AC के लिए आपको 3 से 5000 रुपए देने होंगे। असम में होटल किराया 1500 से लेकर 2500 प्रतिदिन के आसपास हो सकता है। आपको कम पैसे में होम स्टे में रुकने का विकल्प भी मिल सकता है। खाना 500 या 1000 प्रतिदिन का हो सकता है। अब आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गुवाहाटी, मजुली द्वीप, कामाख्या मंदिर। ऐसे ही एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए इंस्टा।